साहब, अब अगर आते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग में, आपके साथ शुरू में बड़े नाम आपके साथ जुड़ा होता था आमिर खान साहब, तो वो दरमियान में आके एकदम, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो जानना चाहते हैं, जिनके नॉलेज में ना हो कि आप दोनों के दरमियान कुछ दूरियां बढ़ गई, तो इसकी वजह जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आमिर खान एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई साउथ एशिया का नाम हो या एशिया, वो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है मतलब। और उनने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे लेके आए, मतलब मैं बहुत लकी भी हूँ, खुशनसीब भी हूँ, और शुरू से मुझे इतना अच्छा बूस्टअप मिला, स्टार्ट मिला। देखें वो बीच में होता है, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म है, आपके क्रिकेटर्स आप देख रहे होते हैं, कोई अप होता है, कभी डाउन होता है, कोई टीम के अंदर होता है, कोई आउट होता है, कभी वो टॉप पे होते हैं, कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी वहीं आपको कह रहे होते हैं कि आप अच्छे नहीं हो। जैसे कि एक बीच में स्टेटमेंट आया था, काफ़ी लोग मुझे सेंड कर रहे थे कि आमिर खान के उस्मान टॉप फाइटर नहीं है, तो शुरू में उन्होंने कहा टॉप फाइटर हूँ, बाद में उन्हीं ने कहा नहीं हूँ, तब वो दोबारा कभी कहेंगे टॉप में हो कभी नहीं हो, तो उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा अपना एक ड्रीम है, हाँ मेरा जो फोकस है, तो वो मेरा बहुत बड़ा है। मैं यूथ वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ, और इसी तरह आमिर खान की तरह वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, तो उसमें मेरा फोकस है। तो ये आपको पता है, एक प्रोफेशनलिज्म है, एक प्रोफेशनल कैरियर है, जिसमें अप एंड डाउन होता है। बाकी ऑन व्हाट्सएप, बाकी मतलब बिहाइंड द सीन्स हम लोग दोस्त ही हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाँ हम लोग मतलब नेचर नॉर्मल है। तो वो ये कि थोड़े बीच में कुछ और फाइटर्स है पाकिस्तान में, फिर वो आते हैं बीच में, तो इससे थोड़ा थोड़ा क्लैश अप एंड डाउन चल रहा होता है। ठीक है।